एवरीवन, तो भाई स्वागत है आप सभी लोगों का हमारी एक और नई गेम प्ले वीडियो के अंदर। तो भाई ये गेम प्ले वीडियो होने वाली है जॉन सीना के साथ है भाई, डीएक्स और ब्रॉक लेसनर के साथ है, रेटेड आर आर के हो। तो भाई करते हैं जल्दी से जल्दी शुरू। तो भाई जॉन सीना के साथ तो डीएक्स पहले भी रह चुकी है काफी टाइम भाई डब्ल्यूडब्ल्यूई के अंदर, पर रेटेड आर आर के साथ ब्रॉक लेसनर पहली बार। तो भाई रूल बताने की जरूरत नहीं है, नॉकआउट मैच है ये, और देखते हैं भाई ब्रॉक लेसनर और जॉन सीना दोनों के फिनिशर में डबल रिवर्सल। तो किसके फिनिशर लगते हैं, किसके फिनिशर भाई रिवर्स होंगे यहाँ पे, वही देखना है। पर यहाँ पे गलत हो गया, जॉन सीना के सामने रैंडी ओटन, जॉन सीना लगाया फिनिशर और भाई लग गया जाए इजीली। सीना एक और फिनिशर लगाने जा रहे हैं, अब तो लग ही जाएगा, पर फिनिशर लगाने की जगह भाई टैग दे रहे हैं, ये नहीं मिलेगा टैग। हो गया ग्लिच भाई, ये WWE का ग्लिच पता नहीं कब सॉल्व होगा। रैंडी ओटन ने इजीली छुड़ा लिया अपने आप को और ये आर के हुआ मिस, और दूसरी बार लग गया। जॉन सीना खड़े क्यों थे वहां पे, कुछ तो करते ब्रो, कुछ तो करते। एक और आर के लगाने का ट्राई किया, इस बार नहीं लगा, पर रैंडी ओटन ने सेकंड आर के लगाने का ट्राई ही नहीं किया। तो सीना को फेंक के बाहर, वहां पे ट्रिपल एच की हो रही है धुलाई। और शॉन माइकल्स ये नीचे क्यों जा रहे हैं, अरे आपको रैंडी ओटन कुछ नहीं करेंगे भाई। चलो शॉन माइकल ने रिवर्स कर लिया, समझदारी दिखाई यहाँ पे, अभी रिवर्स शायद नहीं होगा। अरे फिर से किया रिवर्स, सीना अंदर साथ ही फिनिशर लगा दो, यही सही मौका है। सीना ऐसे टाइम पे भाई फिनिशर लगा सकते थे, पर चलो कोई नहीं। सीना भी डैमेज, रैंडी ओटन भी डैमेज, दोनों को भाई एक एक फिनिशर लगेगा। तो एक एक फिनिशर में ही ये बंदे एलिमिनेट हो सकते हैं, क्योंकि एनर्जी खत्म, बंदा एलिमिनेट। कोई ही बंदा है जो एनर्जी खत्म होने के बाद भी सर्वाइव करता है, नहीं तो ज़्यादातर चांस नहीं होते। तो सीना फिर टैग देने की तैयारी कर रहे हैं, नहीं मिलेगा, इस बार तो पहुँचेंगे ही नहीं। लास्ट टाइम पहुँच के भी कॉर्नर पे नहीं रख पाए थे रैंडी ओटन को, इस बार तो भाई पहुँचेंगे ही नहीं। तो धुलाई चालू, सीना रिवर्स करो और लगाओ अपना फिनिशर, सीना करो रिवर्स और लगाओ अपना फिनिशर। तो यहाँ पे भाई रैंडी ओटन ने ट्रिपल एच को फिर से बाहर फेंक दिया है, ट्रिपल एच से कौन सी दुश्मनी निकाल रहे हैं ये। ट्रिपल एच को अगेन फेंक दिया नीचे, अरे यार जॉन सीना ओनली पिटाई खाए जा रहे हैं, एक ही फिनिशर लगा। और जॉन सीना का हेड देखो यार, हेड बिल्कुल रेड, और ये टैग देना चाहते थे शॉन माइकल को, मिल गई टैग शॉन माइकल्स को। और पीछे से फिनिशर लगेगा कि नहीं लगेगा, अरे ना लगा आरकेओ, ना लगा स्विट्सन म्यूजिक। तो शॉन माइकल क्या आप रैंडी ओटन को एलिमिनेट कर पाओगे। शॉन माइकल कॉर्नर में जा रहे हैं कि कहाँ जा रहे हैं, अरे पकड़ो यार, ट्रिपल एच को टैग दे दिया, उधर ब्रॉक लेसनर को टैग मिलने वाला है। अरे एज को मिला टैग, एज रनिंग स्पेयर देंगे कि एज ने दिया रनिंग स्पेयर ट्रिपल एच को। अगर एक और फिनिशर लगा ना भाई, यहाँ पे खेल खत्म हो सकता है। अरे ये एज जा रहे हैं ऊपर, अरे डाइव से कुछ नहीं होगा, उल्टा ट्रिपल एच ने रिवर्स कर लिया, मुंह पे पड़ी लात। अरे ये क्या कर रहे हो, टैग देने जा रहे हो सर, इतनी जल्दी क्या है। लगता है ब्रॉक लेसनर को टैग मिल गया तो वो ट्रिपल एच को एलिमिनेट कर देंगे। उससे पहले भाई एज कर रहे हैं तगड़ा वाला डोमिनेट, एनर्जी खत्म ही होने वाली है, हेड पे कर रहे हैं डैमेज, पर भाई इनका फिनिशर तो स्पेयर है। तो ब्रॉक लेसनर के पास है F5, लगा F5, ट्रिपल एच की लात पहुंची ही नहीं ब्रॉक लेसनर के तक, पर ये डबल रिवर्सल, इसी की मैं बात कर रहा था मैच के शुरू होते ही, इसी ना और ब्रॉक लेसनर के पास है डबल रिवर्सल, ट्रिपल एच ने लगाई अपनी पैडी गिरी। चलो तो एक फिनिशर से कुछ नहीं होगा, बैक टू बैक भाई दो तीन फिनिशर लगाने पड़ेंगे, क्योंकि ये है बीस्ट ब्रॉक लेसनर, इतनी जल्दी तो एलिमिनेट नहीं होंगे। देखा दूसरा फिनिशर भी इजीली कर लिया सर्वाइव, अब तो टैग दे देना चाहिए, तीसरा वाला रिवर्स हो जाता है। चलो बहुत ही अच्छी समझदारी, पर इतनी दूर तक भाई टैग होना ही नहीं था, पर पहले ही ब्रॉक लेसनर ने छुड़वा लिया खुद को। क्या ब्रॉक एक और फिनिशर का ट्राई करेंगे, एक ही फिनिशर से ट्रिपल एच एलिमिनेट हो सकते हैं, यहाँ पे शो ऑफ नहीं करना चाहिए। ट्रिपल एच जा रहे हैं टैग देने, किसको देंगे टैग, टैग देने जा रहे हैं पर नहीं दे पाएंगे, क्योंकि किसी ने भी आगे हाथ नहीं किया। ट्रिपल एच के साथ हो गया धोखा, गद्दारी करवे वाला सीन हो गया यहाँ पे, टैग नहीं, किसी ने भी टैग नहीं लिया।
रिवर्स नहीं हुआ, रिवर्स बेली टू बेली सुप्लेक्स यहाँ पे ब्रॉक लेसनर की तरफ से ट्रिपल एच को लगा फिनिशर। तो इसी फिनिशर के चलते भाई लग गया फिनिशर, एलिमिनेट हो सकते हैं। अरे ट्रिपल एच ने भी किया बर्दाश्त, F5 एनर्जी खत्म। और इस बार लगा देते ना ब्रॉक भाई, मतलब ब्रॉक सर, तो हो जाता काम भाई ट्रिपल एच का। और यहाँ पे अंदर आए रैंडी ऑर्टन जो कि भाई फिनिशर बैक टू बैक लगा देते हैं। फिनिशर तो लगाया पर हो गया रिवर्स, ट्रिपल एच ने कर लिया फिनिशर रिवर्स। और यहाँ पे टैग मिलने जा रहा है शॉन माइकल को मेरे हिसाब से, क्योंकि ट्रिपल एच ज़्यादा टैग देंगे शॉन माइकल को ही। और जहाँ अरे इस बार तो लग ही गया RKO, और ये पंट किक की तैयारी, शॉन माइकल इसी से एलिमिनेट हो सकते हैं। बच गया भाई सभी, आज दो दो फिनिशर तो सर्वाइव कर रहे हैं, क्या चक्कर है? लगता पुराने बंदे हैं और पुराना दम दिखा रहे हैं ये। उस टाइम पे बहुत ही फिनिशर सर्वाइव होते थे, एक दो मतलब अभी तो देखो मैच के अंदर एक फिनिशर लगा मैच खत्म, चाहे वो बड़ा मेन इवेंट का मैच क्यों ना हो। तो उस टाइम पे नॉर्मल मैचेस में भी दो तीन फिनिशर तो भाई जायज थे, इनका हर एक मैच 20 मिनट से ऊपर ही रहता था, 30 मिनट के आसपास रेगुलर मैचेस भी। तो वही यहाँ पे हमें देखने को मिल रहा है, फिनिशर पे फिनिशर सर्वाइव हो रहे हैं। सीना जल्दी से जल्दी लगा दो फिनिशर, नहीं तो रैंडी ऑर्टन फिर आया है RKO देने। और RKO देने से पहले लगा ए, रिवर्स नहीं हुआ रैंडी ऑर्टन, एक RKO से तो नहीं जाने वाले। शॉन माइकल को टैग दो और शॉन माइकल स्वीट चैन म्यूजिक लगा दो, कॉर्नर वाली लगा दो, कोई भी लगा दो। अरे स्वीट चैन म्यूजिक का टाइम था, ये एल्बो ड्रॉप देने की क्या जरूरत थी, स्टैंडिंग एल्बो। शॉन माइकल चाहते क्या मुझे बिल्कुल भी समझ में नहीं आ रहा। फिनिशर गप थोड़ी लेके जाने हैं, फिर दे दिया टैग ट्रिपल एच को, मिलेगा टैग सीना को ही मिला अगेन टैग। सीना लगा दो यार फिनिशर, आप ही लगाओ। अरे सीना का फिनिशर गया, रैंडी ऑर्टन के पास फिनिशर आने ही वाला था, बच गया भाई। पर सीना के पास अभी भी सिग्नेचर है सीना के पास, तो सिग्नेचर वो यूज कर सकते हैं। पीछे से भाई फिनिशर आ गया था रैंडी ऑर्टन के पास, पर लगा नहीं। अभी मिलेगा टैग शॉन माइकल को, मिला शॉन माइकल को टैग। तो भाई एक स्वीट सेंड म्यूजिक और ये रैंडी ऑर्टन एलिमिनेट, ऊपर से स्टन भी हो चुके हैं, यही सही मौका है। पर रैंडी ऑर्टन खिसक लिए बाहर, रैंडी ऑर्टन तो भाई खिसक लिए बाहर की ओर, ये तो भाई गलत कर लिया इन्होंने, और एज भी गए बाहर। शॉन माइकल कॉर्नर स्वीट सेंड म्यूजिक देने ही जा रहे थे, लग गया कॉर्नर स्वीट सेंड म्यूजिक, लगा तो खेल खत्म। मुझे लगता है ये टायर्ड वाला है, टायर्ड वाला नहीं था, एक ही से किया बाहर। स्वीट सेंड म्यूजिक में दम है भाई, लगता ही बड़ा लगता कम है पर पावरफुल है। तो यहाँ पे एस को स्पेयर का इस्तेमाल करना चाहिए, ना कि भाई टॉप रोप के ऊपर जा रहे हैं ये। अरे मिस हो गया इनका पंच जो टॉप रोप से लगा रहे थे। शॉन माइकल एक और स्वीट सेंड म्यूजिक हो रहा है, एस की भी थोड़ी सी एनर्जी डाउन कर दो, स्टैंडिंग स्वीट सेंड म्यूजिक ही लगा दो। ये रनिंग मूव DDT भी कह सकते हो उसको, या नेक ब्रेकर, रोलिंग नेक ब्रेकर भी कह सकते हो। अरे ट्रिपल एच से पता नहीं क्या कॉर्नर वालों की क्या दुश्मनी है, फिर से एज ने किया ट्रिपल एच को ही साइड पे, मतलब नीचे गिरा दिया। ये चाहते नहीं है कि ट्रिपल एच रिंग के अंदर आए टैग लेके, क्योंकि वो अंदर आए तो अपनी पेडिग्री से किसी को भी एलिमिनेट कर सकते हैं, खासकर ब्रॉक लेसनर का नंबर तो लग ही सकता है उनको अगर दो फिनिशर लग गए तो। सीना लगाओ फिनिशर, पर सीना फिनिशर कहाँ, सीना को तो फिनिशर लग गया, सीना को लगाया यहाँ पे स्पेयर। ब्रॉक आए अपना F5 देने, क्या लगेगा? F5 से पहले दिया है पावर बॉम्ब, पर इससे उनका स्टन मीटर चला गया सर। ट्रिपल एच को मिला टैग, ट्रिपल एच को मिला टैग, पेडिग्री देखने को मिल सकती है, मिली पेडिग्री देखने को। और यहाँ पे ब्रॉक एलिमिनेट होंगे कि नहीं होंगे, ब्रॉक एलिमिनेट नहीं हुए पर एक और पेडिग्री। अरे ब्रॉक एलिमिनेट हो गई, ये कैसा भाई, अरे लेट एलिमिनेशन शो किया यार रेफरी, इतना डिले क्यों? मैंने तो सोचा कि ब्रॉक सर्वाइव कर गए, लगता फाइनल एज जो है। अरे एज ने लगाया स्पेयर और शॉन माइकल ने भी थर्ड फिनिशर सर्वाइव कर लिया भाई, बहुत बढ़िया कॉर्नर फिनिशर अगर देखने को यहाँ पे मिल जाए तो ये शॉन माइकल भी एलिमिनेट हो सकते हैं। शॉन माइकल एक फिनिशर,
शायद एस बी एलिमिनेट हो जाए। और शॉन के पास तो भाई तीन तीन फिनिशर हैं। अरे यार पॉप अप स्पेयर भी अगर लगा देते ना, कंट्रोलर यूज़ करने वाला बंदा तो लगा देता है, पर एआई नहीं लगाता। आई होप कि भाई धीरे धीरे 2K के अंदर ये सिस्टम फिर से वापस आ जाए। अरे स्वीटचन म्यूजिक लगी नहीं यार, इसने तो डोज कर दिया, साइड को खिसक ली है। और यहाँ पे अभी शॉन माइकल बाहर चले गए। अरे इतना बाहर जाने की जरूरत नहीं है, आप अंदर जाओ इजीली भाई, फिनिशर का यूज़ करो, नहीं भी लगेगा तो जॉन सीना है, ट्रिपल एच है, वो कर लेंगे भाई इनका हिसाब किताब पूरा। ओके तो रिवर्स किया, उठाओ इसको, उठाओ जल्दी और लगाओ फिनिशर, लगा। और भाई एलिमिनेट नहीं हुए ना, अभी कॉर्नर वाला लगाओ, कॉर्नर वाले की भाई अलग ही पहचान है। और ये सिग्नेचर, हमें यहाँ पे सिग्नेचर देखने को मिल सकता है। अरे सिग्नेचर की जगह ये क्या है, ये रिवर्स भी हो सकता है, रिवर्स हुआ ना, क्योंकि फिनिशर के बाद 99% चांस होता है कि नेक्स्ट वाला मूव जो है रिवर्स होगा। और जहाँ पे कॉर्नर स्वीट्स एंड म्यूजिक तो नहीं, पर कॉर्नर स्पेयर देखने को मिल रहा है, शॉन माइकल एलिमिनेट हो सकते हैं। शॉन माइकल हो गया एलिमिनेट, मैंने सोचा कि शायद क्लीन विनिंग हो सकती है, फिर से ट्रिपल एच को बाहर कर दिया। ट्रिपल एच से क्या ही दुश्मनी है, इतना तो भाई जॉन सीना को बाहर नहीं किया, शॉन माइकल ने हर बार रिवर्स किया जब भी कोई इनको बाहर करने आ रहा था, पर ट्रिपल एच हर बार कॉर्नर से भाई नीचे गिरा दिए जा रहे हैं, रीजन मेरे को अभी तक समझ में नहीं आया। एक और रनिंग स्पेयर यहाँ पे देखने को मिल सकता है, पर नहीं लगा, जगह कम थी। ये पता नहीं कैसा रूल है यार 2K ने ये बना दिया, 2K22 में ऐसा नहीं था, बंदा उठाता था और अपना मूव लगा देता था। और यहाँ पे कॉर्नर फिनिशर हमें देखने को मिल रहा था पर नहीं, उससे पहले जॉन सीना उठ गए, जॉन सीना एक फिनिशर, शॉन माइकल अपना काम करके गए हैं, उन्होंने रेज को स्वीट्स एंड म्यूजिक दे दिया है, मतलब अपना फिनिशर लगा दिया है। और ये कॉर्नर स्पेयर इतनी दूर से लगेगा, मजा आएगा देखने में, पर ये रिवर्स नहीं होना चाहिए। एज ने एक और बंदे को किया एलिमिनेट, एज अगर एजुकेशन, अरे एजुकेशन पहले लग जाता तो मजा आता, पर अभी ट्रिपल एच जिसके बाद अपना सिग्नेचर लगाएंगे, और ट्रिपल एच ने कर दिया खेल खत्म यहाँ पे। वही विन कर गई है टीम ट्रिपल एच की। तो यहाँ पे आप कुछ हाईलाइट देख सकते हो भाई, मैच बड़ा ही जबरदस्त गया था ये वाला मैच भाई, हर एक बंदे ने बहुत ही ज्यादा फिनिशर सरवाइव किए। और भाई शॉन माइकल ट्रिपल एच, मतलब सभी ने सरवाइव किया यार, एक बंदे नहीं, ब्रॉक लेसनर ने बहुत सारा सरवाइव किया। तो भाई किसी भी बंदे को ये वाला मैच पसंद आया हो जल्दी से जल्दी भाई चैनल को सब्सक्राइब कर लो, बेल नोटिफिकेशन को ऑल पे कर लो। हमारी लाइव होती है भाई दिन में 2 टाइम, तो आप दोनों में से किसी भी टाइम पे आके अपने फेवरेट मैचेस लाइव स्ट्रीम के अंदर करवा सकते हो। तो भाई मिलते हैं आपसे लाइव स्ट्रीम के अंदर।